बहाल तक हमें एक सूरज फूलक डाल था जो मैंने तुम तक दिखाई ब्लॉग में आज बॉडी ने सुबह सुबह ले काट दे। अब एक रीजन ये कि बॉडी ने पहले 2 तारीख दिल्ली चल जाना और वो फूल जो काट के धरी हो एकदम धरी हो बाहर। अब निकालो ना इसको देख हम कितना मोटा मोटा बीज नहीं तेरा अभी पूरा नहीं पक छाई है कम से कम एक हफ्ता और लगना चाहिए। एक हफ्ता और लगता है अभी इसमें। और तो दिल्ली जाने का कब है प्रोग्राम? पता नहीं मंडे तो संडे मंडे को। अच्छा पहले 2 तारीख है संडे को सैटरडे को आगा मेरे जाना। अच्छा अच्छा संडे को चले जाएंगे तभी हो गया जल्दीबाजी। ये तो मैंने वैसे निकाल फूल लग गए रख दिए ऊपर पीला बना दिया मैंने। देखा तुम कितना तो बड़ा परंठा था बहुत बड़ा हो गया था ना ये कितना तो मस्त लगा मस्त हो रहा है। मत तीन ही है ना एक है थार दो ही है ना तीन ही पेड़ तो है एक दो दो है और एक है उनको जब काटेगा ना ममता का बना लियो पहले ही बना लियो अभी तो मैंने कपड़े लपेट दिए उस पे बाद में बनेंगे हाँ। तो चिड़िया नहीं खाएंगे तो कल ही कल खा गए इतने सारे काफी सारा खा गए। इसको निकाल लेते हैं फिर निकालना ही है। लाओ थाली लाओ ऐसे करके ना ऐसे वो लाओ ना प्लेट लाओ कुछ प्लेट पर तो मैं डाल दूँ ना आधे वैसे हैं ये काना से तो वो थैलो लोग मार एक बटे ले जाने ने सीधा दिल्ली है ना दिल्ली कहाँ जगह आर के पुरम सीधा आर के पुरम जाने नवीन सुनीता का फोन आया था ना कह रही थी नवीन का वीडियो डाला था अमरूद खाद के बंदर मैन के यहाँ बंदरों की बहार हो रही है शिमला गांव में बंदरों का हाँ हमारे बंदर ही हैं भाई कुछ कुछ है ये देखना देखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन है कच्चे ही काना टाइप है काना छे ऊपर कच्चा छे ना भी सूख जाएंगे। अब निकल जाला जी सूरज फूल तो एक दिन सूख जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा तो खा लेगा थोड़ा मैं खा लूँगी कच्चे हैं ना अभी अभी थोड़ा ही पर एक हफ्ता लगने जाना बीच बीच के होगा कोने कोने के नहीं होने रहे होना भी नहीं था उन्होंने चलो जो हाथ लग गया वही बहुत है बारिश में होते ना देख कब से पक गए होते क्योंकि बहुत पहले का था ना ये हाँ शुरू में ही लगा दिया क्या मोटे मोटे हैं देख वहाँ का बीज बहुत मोटा मोटे थे भैया बेकार है जो इन पे काली धारी पड़ी है ना वो ठीक है वो ठीक है पहचान होती है इनके ये जो काला ये पड़े अनुसार ही चेना बाकी तो उन्हें पक्का वो खराब उन्होंने बाकी ये जो सफेद चने कच्चे से ये उन्होंने भी नहीं जाना अब चकलो नहीं खाने से कल शाम को हमने देखा था और आज इतना सारा खा रखा था सुबह सुबह हाँ काटे दो इनको चकला भी अपने हाथ आ ही जाएंगे चकला पैसर पड़ गया ना ओके आज सुबह यहाँ 5:45 बाग जाता था इधर। अच्छा बाग था क्या था बिल्ली तो है नहीं हमारे गांव में कहाँ पे जा रहा था यार मत बिठाने जाऊँ तो रास्ता रास्ता जमीन लाइट जगा ना ये फोन रहा हुआ ना लाइट जलाई मैंने और मेरी आदत है पहले मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ अंधेरे में मैं जरा 2 मिनट बाद निकलती हूँ बाहर और मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ जा रहा चमकाई मैंने टॉर्च चमकाई नहीं गंभीर रास्ता बिल्कुल ना देख जाने यहाँ नीचे चला गया पता नहीं कहाँ गया वो भाई बोर्डिंग तो भाग जाना अब दिल्ली अब भाग नहीं रहना घूमने खा दो चौकदार कारण हो मैं नहीं तो यहाँ पे लाइट रहती थी ना अब सुबह ठंड में तान रखा है लाइट नहीं है ना हमारी और अंदर से है ना हमारे स्विच है नहीं वही तो कह रहा हूँ कि जब तुम घर में हो तो लाइट जल्दी रहती है हाँ जल्दी रहती शाम है को और 10:30 तक उठे रहते हूँ 10:30 कभी 10:30 जाते हूँ टॉयलेट कभी 10:00 अब ठंडी में तो उन भी रात जल्दी पड़ जाए 5:00 रात पड़ अभी पड़ गई है ठंडी तो अभी आएगी जब आएगी तभी सुनर बागन में ना मजा सुनसान रहता ना फिर इधर तो ये निकल गए थे हमारे टोटल सूरज तुम तो सूख जाना था पता अगर फूल के चकला रखा था और कुछ है इधर
बोर्डिंग पहले निकाल दे बोर्डिंग सिन को काट दे अभी परोंठा ही ना खा ले जाए ये लखनऊ परोंठा था ना बड़ो परोंठा इसको दिल्ली ले जाओ नहीं तो मैं दिल्ली जाना दिल्ली ले जाना या फिर चल चलो ये बहुत चल अरे तो ये इनके घर हो ना 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 ये गाड़ी छतम दर गाड़ी के नाम अब चौथा इतना शौक नहीं था ना ना ये एक बात को नी हाँ ये की तो गाड़ी छतम तैर दे ऐसा बोलना नहीं भाई मैंने यही कमाया सारे बरसात में मैं ये दिखाने के लिए लाया हूँ है ना उनका नाम है छोड़ बेकार तू धर दे बेटा गोर खा जाला शायद तो गोर और खान जिन हुकुम लगे दे आज छतम सनफ्लावर को मैं बेकार था मैं तो टोटल ही तो निकल भाई इतना बड़ा फूल पर ये तो निकल मुश्किल से मतलब ये निकल 40% ठीक निकल और 60% खराब निकल गया हाँ ये बहुत बड़ा छाया है इतना बड़ा छाया है ये पर 40% सही था 60% नुकसान हो गया बॉडी में ना तो 60% पानी में चल गया अब दीव ना छिन तो अभी हुए नहीं तब तक बोर्डिन चल जान दिल्ली अत वो लोहन खड़न जय श्री राम।